नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप फ्रॉम द गुजरात। आज हम बांसुरी में सीखने वाले हैं एक अलग ट्रिक। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आ गया हूँ जो आपकी म्यूजिक लाइफ में चार चांद लगा देगी। जी हाँ, इस ट्रिक को यूज करके आप बहुत मिठास में इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पे है या एडवांस लेवल पे है। चलिए सीखना शुरू करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले आराम से मेन स्ट्रक्चर देख लीजिए कि क्या है एक्चुअल में। देखिए, पहले सा रे रे ग, बेसिकली ये छोटी सी ट्रिक है। देखिए, जिस सुर के लिए हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है, वो करना ये है कि मान लो सा के लिए हमने ये ट्रिक बजानी है, तो सा बजाएगी, हमारी फूक शुरू हो जाएगी सा हा। नीचे वाले सुर को, मतलब सा के नीचे है मंद्र सप्तक का नी, तो एक बार क्लिक कर देना है और सा से रे मीन लेनी है, मतलब ऐसे आराम से उंगली ऊपर लेनी है। ठीक है, देखो सा रे, तो ऐसे बजा सकते हैं रे। ऐसे सभी सुर में प्ले करना है सा रे रे ग ग म म शुद्ध। ठीक है, अब म से प कैसे बजाना है, सिंपल ही है। म तो म ग म प्ले करना है पहले, जैसे कि म के लिए बजा रहे हैं, म के नीचे का सुर है ग, तो गमाप। मन में सवाल आएगा कि भाई प को किस तरीके से मीन देंगे, तो आप एक तरीका यूज कर सकते हैं। प को पहले आराम से बजा लीजिए, अब फूक बढ़ाइए, तो ये भी एक मीन का ही प्रकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, प के बाद म प है। ठीक है, कर लेना है म का कर लेके डायरेक्ट प पे ही आना है, क्योंकि हमें प के लिए बजाना है। हो सकता है समझ में आए ना आए, फिर से देख लीजिए प म प, हमें म का कर लेना है, तो म का यूज करके डायरेक्ट प पे ही आना है। ठीक है, प म प ध, अब प से ध है वो खींच के। ठीक है, कण ही लेना है म का, इसलिए प म प ध सेम ही यहाँ अप्लाई करना है। धनी कैसे आराम से लेना है। ठीक है, धनी नी सा। तो एग्जांपल के लिए मान लो ये बांसुरी में ये तीन होल है, ये तीन सुर है, यू मान लो, तो जो बीच का सुर है हमें इसके लिए वो ट्रिक अप्लाई करनी है, तो कैसे बजाना है देखो ध्यान से। ये हमारा मेन सुर है बीच का, ठीक है, तो उसके नीचे वाला सुर ये हो गया। ठीक है, तो इसका हमें कर्ण लेना है, एक बार क्लिक करके आ जाना है ऐसे, और इस वाले सुर से यहाँ तक मीन लेके आना, मतलब ये बीच वाला है, यहाँ से हमें खींच के यहाँ तक पहुंचना है। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे एक दोस्त खड़ा है, एक आगे की साइड दोस्त खड़ा है। ठीक है, तो ये सुर मान लो, तो पीछे वाले दोस्त को सिर्फ हाथ मिला के आ जाना है, और आगे वाला जो दोस्त है वहां पे हमें हाथ भी मिलाना है और गले भी मिलना है। यूं समझे कि बीच वाला सुर है, वहां से जब ऊपर वाले सुर में जाएंगे तो मीन लेके जाना है खींच के। मैंने आपको यूं ही एक उदाहरण दे दिया, अब आपको ये समझ में आ गया है, तो इसी प्रकार से आपको सरगम पे ये अप्लाई करना है। ठीक है, अब जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ चढ़ना ही नहीं है, हम उतर भी सकते हैं, मतलब कि अवरोह में आ भी सकते हैं। किस तरीके से देखो, मान लो गंधार तक पहुंच गए तार सप्तक के,
जानकारी के लिए बता दूं, टोटल 300 का यूज करना है एक फ्रेज के लिए। तो मेन जो बात है वो आगे पीछे के सुर में है, बीच वाला तो यूं ही खड़ा ही है, ठीक है। हमारा बीच वाला सुर हो गया रे, तो हम ग से रे मीन लेके आ गए, मतलब जैसे खुला किया था वैसे ही बंद करना है। ग रे, ग से रे मीन बजाई और सा को एक बार कर्ण लेके आ गए, तो ग रे, समझ में आया। ऐसे ही नीचे आ जाना है, रे सा, रे सा मीन हो गया, उसके बाद आहा और साहा क्लिक कर देना है। नीचे वाले का एक कर्ण ले लेना है, सा नी नी द। अब मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बजाई थी आपको पता है, तो इक तू ही भरोसा, ये वाला सॉन्ग जो है जो कि पुकार मूवी का सॉन्ग है और लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ है, उसमें एक लाइन है, हे ईश्वर या अल्लाह, बस इतने पार्ट के लिए ये ट्रिक अप्लाई की हुई है। मैं बजाता हूँ, सुनिए। समझ में आया कि नहीं, लेकिन यहाँ प्ले किया है द सा, द नी के बदले सा कर दिया है। ट्रिक तो वही रहेगी, बस सुर चेंज कर दिए हैं, यहाँ नी पे आने के बदले सा पे आ गए, लेकिन ट्रिक तो वही रही ना भाई, द सा नी रे, ईश्वर या अल्लाह। समझ में आया कि नहीं, तो प्रैक्टिस करके तैयार रहिए और तैयार कर लीजिए, और हर एक सॉन्ग को बारीकी से बजाने के लिए ये ट्रिक आपको जरूर काम में आने वाली है, तो इसे यूं ही छोड़ मत देना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार करना है। और साथ ही ऐसे अमेजिंग वीडियो मैंने कई सारे बना रखे, आप मेरे वीडियो देखकर सीखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है। तो जरूर मेरे कई सारे ऐसे वीडियो है ट्रिक से रिलेटेड, वो भी देख सकते हैं, अलग अलग कई सारे और वीडियो भी है जो आप सीखना चाहते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, टोटल 5 प्लेलिस्ट है, उसमें आप अपने मनपसंद की कोई भी चीज सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, मेरा नाम है कुलदीप फ्रॉम द गुजरात। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, स्माइल।